If the pair of the lines ax square plus 2a plus bxy plus by square is equal to 0 lie along the diameter of a circle, तो means let's say इन दोनों line का जो intersection point होगा ये होगा, है ना? और उसके बाद ये दो pair of straight line है, ठीक है, जो center से pass करती हैं इस तरीके से, है ना? ये pass कर ली. अब इसको center assume करते हुए हमने एक circle draw किया, ठीक है? ये हमारा circle है, okay? अब हमें क्या given है? हमें एक important बात given है. क्या given है? See, divide the circle into four factors such that the area of one of the sector is thrice the area of the another sector. तो हमें पता है अगर ये वाला area मेरा A होगा तो ये वाला area भी A होगा और अगर ये वाला area B होगा तो ये वाला area भी B होगा. तो means हमें given है कि area of one of the sector is thrice the area of the another sector. तो means हमें given है कि B is three times of A और हमें पता है B is three times of A और हमें पता है circle के अंदर का area है. तो obviously कि जो एरिया होता है वो एंगल के रेशियो में होता है. तो ये पूरा एंगल अगर 180 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होंगे 1:3 में होंगे हमारे. तो मींस टोटल 180 को अगर मैं 1:3 में डिवाइड करूंगा तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 45 डिग्री और ये वाला हो जाएगा हमारा 135 डिग्री. तो मींस हम यहां से बोल सकते हैं कि जो हमारी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस जो ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इनके बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री का एंगल है. अब हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज पता है कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है उनके बीच का एंगल क्या होता है. वो होता है 2 टाइम्स ऑफ √h² - ab अपॉन में आता है a plus b, okay? और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? tan of theta के इक्वल. अब यहाँ पे theta की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री है ना? तो उस केस में क्या जाएगा? tan 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे. अब h की जगह क्या आएगा? h की जगह आ जाएगा यहाँ पे 2hxy होता है, तो आ जाएगा a plus b का होल स्क्वायर. तो 2 times of root of अंदर आ गया हमारे पास में a plus b का होल स्क्वायर माइनस ab की जगह क्या आ जाएगा? माइनस ab ही आएगा, ठीक है? माइनस में ab आ गया, ठीक है? अब अपॉन में क्या आएगा अगर हम देखेंगे तो अपॉन में आ जाएगा a plus b जगह a plus b और यहाँ आ गया वैल्यू इक्वल टू 1. अब क्या करता हूँ मैं सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूँ. इसे a plus b को इधर मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ का होल स्क्वायर और आ जाएगा इनटू में a plus b का होल स्क्वायर माइनस में आ जाएगा ए बी और इधर आ जाएगा a plus b का होल स्क्वायर. नाउ लेट्स सी वैल्यू देखते हैं क्या आता है हमारे पास में. ये जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर फिर आएगा प्लस में ये लिखा हुआ 2ab into 4 तो आएगा 8 टाइम्स ऑफ ab लेकिन 2ab माइनस ab क्या हो जाएगा केवल ab बचेगा तो बचेगा क्या हमारे पास में ओनली 4 टाइम्स ऑफ ab तो 4 टाइम्स ऑफ ab फिर आएगा प्लस में b स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर आएगा माइनस में प्लस में 2ab इधर ले लेंगे पूरी टर्म्स को तो आएगा 3a स्क्वायर प्लस 4ab यहाँ पे क्या है हमारे पास में प्लस का 4ab और इधर क्या हो जाएगा माइनस 2b तो जाएगा प्लस में जाएगा 2ab फिर आएगा प्लस में 3b स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू व्हाट 0. तो हमारा आंसर क्या 3a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी.